हेलो ऑल गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। आज मैंने दो ब्लॉग शूट किया। एक मॉर्निंग में मेरा आई फ्लो हो गया था, उसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है। अभी आने इस वाला ही क्यों मतलब कर दूंगी थोड़ी देर में। सो गाइस, देख सकते हैं मेरे, जैसे कि पता है आप लोगों को, यहाँ से मेरे को जाना है। तो मैं अभी बाल बाल धो के एकदम कंडीशनिंग मतलब बाल को कंडीशनर वगैरह मतलब हेयर सीरप वगैरह सब चीज़ अप्लाई कर ली हूँ बाल में, और बाल को अभी ओपन रखी हुई हूँ ताकि सूख जाए। अभी गीला बाल है। एंड मैं अभी ऐसे ही मैं अपनी सिस्टर का ड्रेस पहन रही हूँ ताकि मेरा कपड़ा गीला ना हो और मुझे ले जाने में कंफर्टेबल हो। सारा सामान पैकिंग है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब झूला में कुछ सामान है यूज़ का, और उधर है फिर उसके बाद ट्रॉली, एक बैग है। तो ये सब सामान मैंने पैक कर रखा है। एंड मेरे को अभी तो बज रहा होगा भाई, 1 बज रहा है, और 1-2 घंटा बाद मेरे को जाना है। तो इस बीच में मैं रेडी वेडी हो जाऊँगी, खाना वाना भी बन जाएगा ले जाने के लिए। तो मैं देख सकते हैं रेडी हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को अभी एक ही बार मिलूंगी, रेडी होके ही मिलूंगी गाइज। और देख सकते हैं मेरा आईज का भी क्या कंडीशन है। मैं अच्छी तरह से नहाई हूँ, अच्छे से क्लीनिंग की हूँ, दवाई वगैरह रेगुलर मॉर्निंग से डाली हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी ठीक है, थोड़ा सा आराम है। तो देख रहे ठीक है ना अभी? तो अभी लग रहा है मुझे थोड़ा सा आराम है। ये वाला आईज बहुत फुला भी हुआ है, तो बहुत दवाई, तब से मॉर्निंग से लगातार दवाई अप्लाई कर रही हूँ मैंने। आइस फ्लो वाला, मुझे आइस फ्लो हो गया है गाइज, मैं इस ब्लॉग में भी बोल रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा आराम है क्योंकि मॉर्निंग में ही हुआ है, मॉर्निंग से लगातार मैंने दवाई अप्लाई कर रही हूँ इस पर। अभी बस थोड़ा सा फुला हुआ है, तो बने रही मेरे ब्लॉग में गाइज। देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी माँ मेरा फेस देख रही है। देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मेरा सामान वान भी पैक हो चुका है। देख सकते हैं सारा सामान इधर बिखरा पड़ा हुआ है सब। और अभी गाड़ी आने वाली है और मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। और मेरी सिस्टर को देख सकते हैं खाना खाने में लगी हुई है। तो मैं हम लोग हम जा रहे हैं, मेरे साथ मेरा भाई भी जा रहा है। तो वो भी रेडी हो रहा है उधर उस वाले रूम में। और हम तो फाइनली रेडी हो चुके, बस एक सूट पहनना है, बस हो गया। रेडी हो गई मैं। हाँ, इस लोग के बारे में ज्यादा था तो बहुत ज्यादा है इसका। देख सकते हैं गाइस, अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से। अब मम्मी इधर मेरे लिए खाना वाला आ रही है, ले जाने के लिए। हेलो, क्या सर लिपस्टिक लिपस्टिक खराब हो गया है, लिपस्टिक ना लिप लिपस्टिक ना लग लिया गाइस, मेरा लिपस्टिक खराब हो गया है। कपड़ा चेंज डार्क लग गया, हल्का लग गया। डार्क वाला लिपस्टिक ले सर बा। हां देखिए ना कैसे कैसे रखवा बैठे। देखो ना सही ना, ऐसे ऐसे मुंह बांध देते ना तो ना गिरते। आप कैसे ही सब रखते सब ड्रामा करै छै सब रामलीला। बाप होते ना कहले एते बोलते मतलब तो अच्छा रख ले, अच्छा रख ले जा संभाल। माता पर कथि से जाय खियो घर या राम के ए राम छी के त गंदा रूप बता देली। चल चल
अलगी से प्रणाम कर ले भगवान जी के। पन्नी होगी इतनी देते बोलिया पन्नी का है पन्नी को पन्नी चूरा है फिर ले रहे हम से ले इतना सुनी बाकरा दिए अब के कुछ रुक जा दे बोलाई छे सुनले बाबे बोल नहीं भगवान के भगवान को वीडियो में ले जा जब पूरी समझना की तो कोई से ना बेच लो रस्सी सी ना हो कुछ पानी वाला गोदाम तो लास्ट की बोला वो हमारे सामान है पैसा की हम ले ना ले ना रहते सबको गोर लगो रुपया जा 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 अब यार आपसे स्नैक्स की शादी है क्या चप्पल दे दो दिया हो गया चप्पल हो रहा है बंद कर ना वीडियो के नानी सा प्रणाम करे छे प्रणाम करे के वीडियो बना दे अरे वीडियो पूरा चल मम्मी जा रही है बाय बाय प्रणाम आधा सामान रख दे माना आगे मोबाइल वाला देख ही सकते हैं मैं घर से निकल चुकी हूँ और वो जो पीछे का वीडियो जो क्लिप देख रहा है ना उसमें मैं अपना वॉइस इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि पूरा मजा ही गिरगिरा हो जाता है कि रियल वॉइस क्यों नहीं है जैसे देखने में। वैसे भी मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी और बच्चे लोग शूट कर रहे थे तो मैं रहने दी वॉइस, मुझे अच्छा लगा। पता नहीं आप लोगों को पसंद ना भी रहा होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं वही वॉइस रहने दी। और ये अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, देख सकते हैं मैं घर से निकल चुकी हूँ। और इधर ये जो मंदिर वगैरह का सीन ले रखी हूँ ना, वो मेरा बहुत ही मतलब प्राचीन मंदिर है, वो गरीनाथ बाबा का मंदिर बोलते हैं ना, वही है। यहाँ पे मेला वगैरह लगता है, अभी लगेगा रक्षाबंधन के 7 दिन बाद लगता है मेला यहाँ पे। मम्मी बोली थी कि रह जाओ रक्षाबंधन के बाद जाना मेला वगैरह देख के, लेकिन रूम नहीं मिल रहा था इसलिए मैं थी घर पे, वरना मेरे हस्बैंड नहीं रहने देते मुझे। मैं भी जानती हूँ ये रूम नहीं मिल रहा था, वो फ्लैट मिल रहा था तो फ्लैट में मुझे लेना ही नहीं था, बजट से भी बाहर है। 7,000, 6,000, 8,000 में कौन लेगा वो रूम फालतू का, और रहना भी तो दो ही आदमी है तो क्यों इतना बड़ा रूम लेना। मैं ही मना कर रही थी, वरना मैं अपने हस्बैंड को बोलती तो वो ले ही लेता बेचारा, बट मैं मना कर दी इसलिए फ्लैट नहीं लाया। इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, लेट होने की वजह से मैं 1-2 महीना बाद घर से जा रही हूँ। और देख सकते हैं ये सब मेरे मार्केट का सीन है, मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट करने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़ा सा दे भी संभाल रही हूँ, पर्स वगैरह जो मुझसे संभालता नहीं है बस ऐसे। तो ये देख सकते हैं ये मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पर मेरे को जाना था, उसके यहाँ पर थोड़ी दूर है, यहाँ पर मिठाई वगैरह देख सकते हैं। ये मैं फाइनली रूम पर पहुँच चुकी हूँ, रूम का क्या हालत है, ये सारा सामान मेरा भाई और जो लड़का लोग आया हुआ था साथ में वो सब उतार के डाला है। और इधर मैं बस रूम में पोछा लगा के बेड लगा ली और कुछ नहीं की हूँ, सारा वैसे ही सामान रखा हुआ है। कल जो भी होगा कल मैं आज अरेंज करूँगी, अभी ऐसे ही रहने देती हूँ। खाना तो मुझे बनाना नहीं है, घर से लेके ही आई हूँ। और अभी मैं यहाँ सो गई, मैं अभी रूम पर थोड़ा देर पहले 20 मिनट पहले पहुँची उनके रूम पर, रूम को जरा तो दुरुस्त नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत साफ होकर के लेट गई, क्या करूँ मन नहीं है मेरा साफ करने का, भी नहीं करने कल होगा तो अच्छा साफ करूँगी, एकदम सड़क से पूरा एकदम क्लीन करूँगी अच्छे से। कल आज नहीं साफ कर पाई इतना, थोड़ा बहुत कल पूरा रूम होगा तो धोऊँगी। तो सामान से लेकर रखा हुआ है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गया, देख सकते हैं मैं आइस ब्लू रखा था आपको, देखिए इतना आइस लाल लाल थोड़ा रखा, मैंने इसमें दवाई भी नहीं डाला है तो बस तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक है।